ये बातें सुन रहे हैं आप? जो जहां पे है वो वहीं पे है। मैंने बड़ी मुश्किल से कैमरा किस तरीके से निकाला है, और बस हाथ मेरा भी स्टिल है। ये है कि किसी तरीके से जिस्म के अंदर से सारा दर्द निकाल ले। ये देखें, ये लाइट आई है ना, एक वो पड़ा हुआ, एक वो पड़ा हुआ। हेलो, अरे ये पड़ा, इधर पड़ा हुआ है, एक अंदर चला गया इधर। वजन, अगर आप में से किसी का दिल करता है ताका फिर जाने को, तो कतई भी ना जाएं। खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन वो जो चढ़ाई है और उतराई है ना, जितनी सख्त चढ़ाई है उससे कहीं ज्यादा सख्त उतराई है उसकी। हम लोग पिछले 15-20 मिनट से ऐसे ही पड़े हैं, जब से कमरा में नसीब हुआ है। उसके बाद हम लोग ने हिलने की सहमत नहीं की। बाहर तो म्यूजिकल नाइट शुरू हो गई है और हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उठ के बाथरूम चले जाएं। तो रात को अगर हिम्मत हुई तो बाहर निकलेंगे, तो आपसे कुछ और अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। ये देखिए, इस वक्त तीन जाले हमारे जा रहे हैं हुसैनी ब्रिज क्रॉस करने के लिए। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो इस एरिए को दूसरी साइड पर दो विलेजेस हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। आपको शायद आगे वो एक पैसेज नज़र आ रहा हो, ये पुल क्रॉस करके आगे ये इस साइड पर एक पैसेज है, ये ऊपर ये पैसेज है। बेसिकली इस पहाड़ की बैक साइड पर दो विलेजेस हैं, लोकल्स की ट्रैवलिंग के लिए ये ब्रिज बनाया गया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंटरनेशनली काफ़ी रिनाउंड ब्रिज बन गया, लोग अब काफ़ी दूर से इसको विज़िट करने आते हैं। और सबसे जो मज़ेदार बात है इसकी वो ये है कि ये इटसेल्फ एक थ्रिल है, वहाँ जाना और वहाँ से वापस आना। आज हवा इतनी तेज़ नहीं है, नीचे नहीं देखना, देखें इस वक्त वो तीनों एक बैलेंस की जंग लड़ते हुए। ये कुछ और भाई भी जा रहे हैं, ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में है ये भाई। ये इस जगह की सराउंडिंग है खूबसूरत, ये सामने बिल्कुल जो है ये पास को कौन से आप कौन की सूरत में देख रहे होंगे चोटियाँ चोटियाँ। प्यारे भाई, किस ईयर में बना था ब्रिज ये वाला? हुआ था 13 में, तो उससे पहले क्या था? अच्छा 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 ये आप लोकल्स ने ही बनाया कि गवर्नमेंट ने बनाया? गवर्नमेंट मिक्स के बनाया।
इसकी बैक साइड पे क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेसिकली उनके लिए बना था ये रास्ता। चलिए शुक्रिया। ये देखें जी, थोड़ी सी आपने हिस्ट्री भी इसकी सुनी होगी, रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपको दोबारा करेंगे। थैंक यू। कल शाम तक हम लोग आ गए थे वापस से तागा फेरी से, दरेन बेस कैंप से। 8 घंटे की ट्रैक हमने इकट्ठा ही कर दिया। सुबह 11 बजे के चले, शाम 7 बजे तक पहुँच गए। ठीक है जी, आज फिर हम आके जा रहे थे पहले चाइना बॉर्डर की तरफ, लेकिन थोड़ा लेट उठे, थके बड़े हुए थे, उसकी वजह से फिर हम लोग जब चले तो रास्ते में ये हुसैनी ब्रिज नज़र आ गया जी हमें। कल मशहूर जो भी इस साइड पे आते हैं उनको पता है, या जो नहीं भी आते उनको भी अब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो इसके लिए फिर हम रुक गए। हमने कहा यार ये तो नहीं छोड़ा जा सकता, और जो भी यहाँ पे आता है कभी आ रहा होता तो ये अगर एडवेंचर का कोई शौकीन है तो ये एक अच्छा एडवेंचर है, डेयरिंग है। वो इसकी फीलिंग मैं इस पर तो नहीं बता सकता, लेकिन वो जो बंदा करेगा वो भी बताएगा। ये सामने मेरे दोस्त आ रहे हैं जी, मियाँ आकिब साहब, इंशाल्लाह ये भी आते हैं तो फिर थोड़ा सा हम आगे को जाएंगे। आगे पीछे को एक ट्रैक छोटा सा है दरिया के साथ साथ, तो आगे जाके मिलते हैं। ये सैनी ब्रिज से थोड़ा सा राइट साइड पे है ना, तो एक रास्ता था ऊपर को जा रहा है, ये देख रहा हूँ यहाँ से। ये देखिए, ये हुसैनी ब्रिज पार किया तो ये पत्थरों वाला एक रास्ता था, काफी सीप रास्ता है ये ऊपर कहीं जा रहा है, और हम भी इसके साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। वो नीचे से आए हैं हम, और हम ये इधर आगे थोड़ा सा ही रह गया। ये मियाँ जी देखिए कैसे स्मार्ट लग रहे हैं, वो टर्न लेते हैं ना आगे से, वो आगे हम जाते हैं। चलें और देखते हैं, ये चलते हुए की वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा स्टेप बनेगा जी इस पर, और ये एक और यही करनी है, दोनों हाथों के साथ ही जाना है। अच्छा सर, अभी तो एक हाथ ही, बस वो अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे ना आगे तक, तो वो आपके आई सेट हो जाएगी इसके साथ। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बस थोड़ा सी टेक्निक ही है इसकी, भी कुछ नहीं होगा। Thank you.